दीपक साहब पुणे जा रहे हैं, वाह। तू इसे साहब क्यों बुलाता है? आदतें बिगाड़ रहा है इसकी। क्यों नहीं बोलो यार, आखिर मल्होत्रा खानदान का इकलौता चिराग है, मल्होत्रा इंडस्ट्री का इकलौता वारिस, और पूजा को तो अब कहां है लोग। राहुल, एक्सीडेंट में हमारी कार जल के राख हो गई और दीपकर भैया कैसा हो गया? ये क्या हो गया राहुल, ये क्या हो गया? न जाने किसकी नजर लग गई इस घर को, इस हंसते खेलते परिवार। मेरे सामने मेरा सब कुछ रुक गया और मैं कुछ भी नहीं कर सका, कुछ भी नहीं। गलती मुझसे हुई है, सिर्फ मुझसे। काश मैंने राहुल की बात नहीं मानी होती, दीपक की जिद के आगे चुकी गई होती। आज दीपक हम सबके बीच होता। नहीं बेटी, अपने आप को दोष मत देना। वो नीति आगे किसी का नहीं चलता। तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभवतिभिर्दैवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाज्ञापः। ॐ योग दुर्बल तन को ही नहीं
दुर्बल मन को भी इतनी शक्ति प्रदान करता है कि व्यक्ति वज्राघात भी सहन कर सकता है। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी बस तुम्हारे चेहरे से व्यग्रता झलक रही है, कोई अशुभ समाचार लाए हो क्या? स्वामी जी आपके परम भक्त करण मल्होत्रा और उनके पुत्र दीपक मल्होत्रा का देहांत हो गया। हरिओम हरिओम हरिओम। कभी कभी असंभव बातें भी संभव हो जाती हैं। ये कब हुआ? बस 4 दिन हो गए स्वामी जी। मुझे उनके निवास स्थान पर जाना चाहिए, मेरे जाने की तैयारियां करो शीघ्र। जी स्वामी जी। हरिओम। बुआ जी नाश्ता कर लीजिए, नहा लीजिए उठकर। घर में ना खाने की चीजें सारी खत्म हो चुकी हैं, मुझे और भी बहुत सारे काम है। 9 बज गए हैं, राहुल को नाश्ता देना होगा। दीदी दुख बांटने से बढ़ता है बेटे, छुपाने से कम नहीं होता। दीदी मैं कर लेती हूँ। नहीं नहीं हो गया है, राहुल को ऑफिस जाने में देर हो रही है ना। आपने राहुल के लिए उपमा बनाया है? हाँ। लेकिन दीदी मैं किसके लिए बनाऊँ? कर भी है तुम पूजा, हम उपमा भी बनाएंगे और आलू के पराठे भी। खाने वाला भले ही एक बचा हो लेकिन परोसने वाले तो 2 हैं ना। देख पूजा, करण नहीं रहे तो क्या हुआ? उनकी यादें तो है ना, और हमें उन यादों में उलझकर अतीत के अंधेरों में खोना नहीं है बल्कि उनके सहारे आने वाले हर पल का हिम्मत से सामना करना है। हमें रोना नहीं है, अब इस तरह सब कुछ बिखर गया, सब कुछ। शांत हो जाएं गायत्री देवी, अभी तो आपको इस घर की छत के नीचे रहकर बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ सहना है। ऐसा मत कहिए स्वामी जी, मेरी बूढ़ी आंखों में अब उतनी ताकत नहीं है कि मैं प्रीति का दुख देख सकूं। गायत्री देवी, आपको इस घर के कण कण को जोड़ने का प्रयत्न करना है, उसकी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, क्योंकि आप इस घर की बुजुर्ग हैं, इसलिए इसे भाग्य का खेल समझकर इस दुखद घटना को भूलने का प्रयत्न कीजिए। कोशिश करती हूँ स्वामी जी, कोशिश करती हूँ, और शायद भूलकर अपनी बाकी जिंदगी जी भी लूंगी। लेकिन लेकिन प्रीति का क्या? कहाँ है? मैं उसी से तो मिलने आया हूँ, मुझे ले चलिए उसके पास।
माँ आज कौन सी डेट है? आज 8 तारीख है। और दिन? फ्राइडे। और नेक्स्ट फ्राइडे को? नेक्स्ट फ्राइडे को 15 तारीख है। 15 नवंबर? हाँ 15 नवंबर। मम्मा 15 नवंबर? हाँ बाबा 15 नवंबर को क्या है? मैं जाओ मामा, मैं आपसे बात नहीं करता, आप बात खराब हो। अरे पर क्यों, 15 नवंबर को क्या है बाबा? इट्स माय बर्थडे मामा। ओह इट्स योर बर्थडे, मैं तो भूल ही गई। पर मामा ये बर्थडे को मैं 7 साल का होने वाला हूँ। यस माय बिग बॉय। हाँ और आप प्रॉमिस तो नहीं भूले हो? नहीं बाबा नहीं भूली, याद है। मैं अपने बेटे का बर्थडे और उसकी बर्थडे गिफ्ट कैसे भूल सकती हूँ? सबसे ग्रेटेस्ट है, आई लव यू मम्मा। अच्छा अच्छा, जब गिफ्ट की बात आई तो मम्मा मेरी ग्रेटेस्ट है, और नहीं आई तो मम्मा बहुत खराब है। क्यों छुपा रही हो अपने आंसू? दुख को छुपाना नहीं चाहिए बेटे, उसे बाहर निकाल। हो सकता है यही दुख तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें सुख के मार्ग तक ले जाए। तेरे प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा बेटी, वो उसकी लीला अपरंपार है बेटी। वो चाहे तो एक आंख को रुला सकता है, दूसरी आंख को हंसा सकता है। उसे अपना कर्तव्य करने दे और तू अपना कर्तव्य कर। अब मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, वो तुझे आशीर्वाद देगा, और बेटी ऐसा आशीर्वाद देगा कि तेरी मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ेगी, कभी हल्की नहीं पड़ेगी। हेलो राहुल। अरे विक्रम भैया आप आइए प्लीज बैठिए। बड़ी खुशी की बात है कि तुम अपने जिंदगी की रूटीन में वापस आ रहे हो। मन तो नहीं करता लेकिन क्या करूं, इतना बड़ा बिजनेस किसी के भरोसे छोड़ भी तो नहीं सकता। बिल्कुल ठीक, वैसे घर के साथ साथ करण के सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी भी तुम्ही पे है। ये जिम्मेदारियां ही तो हैं जिन्होंने मेरे पैरों में बेड़ी डाली हुई, वरना खैर छोड़िए। ये बताइए क्या लेंगे आप? नहीं कुछ नहीं। श्योर?
श्योर। वैसे राहुल, मैं यहां कुछ लेने नहीं देने आया। देने आए क्या? अपना तजुर्बा। मैं कुछ समझा नहीं। अब तुम इतने नासमझ भी नहीं हो राहुल, फिर भी जरा साफ सा बताइए प्लीज। देखो राहुल, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम एक ही बिजनेस में हैं। मैंने और करण ने ये बिजनेस एक ही साथ शुरू किया था। करण आगे निकल गया, नंबर वन बन गया और मैं नंबर टू। फिर भी मैं खुश हूं क्योंकि करण मेरा दोस्त था। जानते हो राहुल, मैं एकलव्य की तरह अंदर ही अंदर करण को अपना गुरु मानता था। खैर, आज वो नहीं है तो राहुल, आज तुम उसकी कुर्सी पर बैठे हो। देखो राहुल, बुरा मत मानना, इतने बड़े बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो तजुर्बा चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं, मेरे पास। बात तो सच, लेकिन आप कहना क्या चाह रहे हैं? यही कि हम दोनों मिल जाए, मेहरा इंडस्ट्री और मल्होत्रा इंडस्ट्री एक हो जाए, तुम्हारा जोश और मेरा तजुर्बा करण के सपनों को बुलंदी पर पहुंचा सकता है। तुम किस सोच में पड़े? देखिए, आपकी इस ऑफर के बारे में मुझे भाभी से पूछना पड़ेगा। आफ्टर ऑल, वो भी तो 50% की पार्टनर है इस कंपनी में। हाँ, जरूर डिस्कस करो और तुम भी सोच लो, कोई जल्दी नहीं। टेक योर ओन टाइम। अगर मैं तुम्हारा शुक्रिया करूँ मुझे स्वामी जी से मिलना। जी वो ध्यान दे, बहुत जरूरी काम है, मुझे अंदर जाना। प्रणाम स्वामी जी। कहिए कैसे हैं? सब ठीक तो है स्वामी जी? कुल का आधार करण चला गया, इसे अगर आप ठीक कहते हैं तो ठीक ही है। घर का वारिस दीपक चला गया, इसे भी अगर आप ठीक कहते हैं तो ठीक ही है। गायत्री देवी, मैं जो स्वामी जी, जब मेरा भाई गुजर गया था तब मल्होत्रा परिवार तहस नहस हो गया था। भी मैंने हिम्मत नहीं हारी थी, पर अब मैं टूट चुकी हूं ये जानकर कि पूजा तो कभी मां बन ही नहीं सकती। और प्रीति, और मां कैसे बनेगी? अब आप ही बताइए स्वामी जी, मेरे परिवार का क्या होगा? मैं फिर भी यही कहूंगा गायत्री देवी, कि ईश्वर के संकेत सतह पर है, वो भीतर नहीं है। जो वास्तव में बुरा है वो बुरा नहीं हो सकता। नमस्ते बेटा। बेटा क्या बात है राहुल, आज बहुत देर लगा दी ऑफिस में। वो आज बहुत काम था ऑफिस में। ये पूजा कहाँ है?
दिखाने दे रही? सिद्धि विनायक के मंदिर गई है, कहा तो था जल्दी आ जाएगी। पूजा, क्या हुआ पूजा? पूजा, what happened? क्या हो गया इन्हें? जी, इनके मंदिर में अचानक तबीयत खराब हो गई थी, ये खड़ी भी नहीं रह पा रही थी। इन्होंने मुझे अपना एड्रेस दिया तो मैंने सोचा मैं क्यों ना इन्हें इनके घर पे पहुंचा दूं। थैंक यू सो मच, आपकी बहुत मेहरबानी। जी, इसमें कोई बात नहीं है, मुझे लेट हो रहा है, प्लीज। थैंक यू वेरी मच। गॉड, मैं अब लेके चली गई डॉक्टर को फोन करना। हां, अभी से रिलैक्स रहो। ना जाने इस खानदान का क्या होने वाला है, एक तो इतनी बड़ी दुर्घटना, ऊपर से पूजा की ये हालत। विक्रम, अगर शुभ नहीं बोल सकते तो अशुभ तो ना बोले। वैसे मेरा मतलब ये नहीं। तुम्हारा मतलब मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। पहले से हमारा खानदान इतनी नाजुक कवक से गुजर रहा है, बस तुम्हारी बात है। राहुल, राहुल। भाभी, क्या हुआ? अच्छा, क्या हुआ? राहुल, तुम बाप बनने वाले। पूजा इज प्रेग्नेंट। We'll be right back.